14 जनवरी को गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित रोजगार मेले में जस्ट क्लीन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड पतंजलि आयुर्वेद में चयनित किए गए 250 युवाओं को हरिद्वार स्थित कंपनी में भेजे जाने वाले बसों को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला सेवायोजन अधिकारी सिद्धार्थ नगर और धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला सेवायोजन अधिकारी गोरखपुर अरविंद यादव एवं सेवायोजन विभाग के कर्मचारी एवं जस्ट क्लीन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा, जानते हैं रोजगार मेला एक भव्य रूप से हुआ है। करीब तकरीबन 6000 लोग का नौकरी लगी है, उस पर 300 लोग का जो हरिद्वार में वहाँ पतंजलि फर्म में इन लोगों का रिक्रूटमेंट हो गया है। 300 लोग उन्हीं लोग आज रवाना कर रहे हैं। इन लोग 18 से लेकर 30 साल के बीच लड़के हैं और यहाँ गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। गोरखपुर में 300 लड़के के नौकरी का लग गया है, उसका जो हम लोग रोडवेज के बस के माध्यम से टाई अप करते हुए आज बस रवाना कर रहे हैं। कल ये जा करके ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। उसी का